चरा रहा था तो वहीं एक भगवा वस्त्र पहने बाबा जी निकले, तो कपड़े देख के जानवर भी दग गए। तो बोला बाबा एक तरफ ने होले, बोले तमीज नहीं है स्वामी जी नहीं कह सकते, बोले लठ देख रहा बाबा तभी जावेगा। तो हम तो खुद ही कह लें वही ठीक है। अगर राजनीति में सफल होना है तो मेरी राह चुनिए और विशेष आसन स्वामी अरुण जैमनी से सुनिए। पहला है रीढ़ विहीन आसन। रीढ़ विहीन आसन करना कैसे है? अपने दोनों हाथ जोड़िए और सामने वाले के आचरण इग्नोर करते हुए उसके चरणों तक मोड़िए। इसमें आपके घुटने टिक जाएं तो टिक जाने दीजिए और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। अगले आसन के लिए आप गुसलखाने में जाएं, नल खोलकर उसके नीचे मुर्गा बन के बैठ जाएं। अपने आप को उल्टा घड़ा समझें, वो भी चिकना और बड़ा समझें। ऊपर से पड़ने वाली पानी की एक भी बूंद अपने में ना समाएं, जितने सूखे बैठे थे उतने ही सूखे उठ जाएं। क्या बात, वाह वाह। जिस दिन सचमुच सूखे उठ जाओगे उस दिन जूते भी शान से खा पाओगे। क्या बात है। शान से जूते खाना आपका राजनीतिक कद बढ़ाता है और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। वाह वाह। अच्छा, बहुत सारे आसन पशु पक्षियों की दुनिया से योग में आए, जैसे सिंहासन, मयूर आसन, पर राजनीति में इन सबसे बड़ा है गिरगिट आसन। वाह वाह। रोज एक घंटा गिरगिट को ध्यान से निहारो और उसके मूल रंग के बारे में विचारो। क्या बात है। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ। देखिए व्यंग कैसे चोट करता है, कैसे प्रहार करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ कुछ इस तरह है कि सर झुकाओ तो हिंदू और उठाओ तो मुसलमान नजर आओ। वाह वाह। अच्छा, कुछ आसन आपने खुद नहीं करने बल्कि जनता से कराने हैं। अपने लिए सुख और समृद्धि के दरिया बहाने हैं। आश्वासनासन और शवासन आपको जनता से कराने हैं। आश्वासनासन इसलिए कि वो ख्यालों में ही नाचे गाएं और शवासन इसलिए कि कहीं मरना ना भूल जाए। वाह वाह। अब आपको अनुलोम विलोम करना सिखाता हूं, सारे भक्त सुन लो ध्यान से। बाकी बाबा इसे नाक से कराते हैं पर मैं कराता हूं कान से। अपने दोनों कानों की अच्छी तरह सफाई करा लो। इधर से सुनो, उधर से निकालो, उधर से सुनो, इधर से निकालो। वाह वाह। और अब एक आसान आसन अपने पास बैठे श्रोता को भी सिखाओ। कुछ मत करो, अपना बायां हाथ खोलो, दाएं का उस पर प्रहार करो। कम से कम 10 बार ये प्रक्रिया दोहराओ। अरे समझे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक बार जोरदार। बहुत अच्छा, आचार्य अरुण जैमिनी ने बड़े अच्छे आसन टिप हमको दिए। एक बार देंगे। मामला ट्यूबलाइट का है। हाँ, ये समझ गए, ये मोहल्ला। बाकी सारे खामोश हैं। एक बार मिलके तालियां बजाओ अरुण जैमिनी के लिए। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मौसम की बात करूं तो 5 बसंत और 2 बसंती है। देखो ये मोहल्ला बड़ा खामोश था, अचानक इमरजेंसी में लाइट आई इनके अंदर। बोले हाँ, 2 बसंती और 1 पतझड़ है। अब कौन है मैं नहीं कहूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। आपको बुला दो। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि तू मुझे ही निपटा। वो देश के बड़े कवि हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो हम कवियों के भी कवि हेरा सबसे बड़ा फेस कोई होता है तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी होते हैं, जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी कवि का नाम नहीं। सुरेंद्र शर्मा इतने बड़े जनरेटर का नाम है जिसको स्टार्ट करना भी मुश्किल और जिसको बंद करना भी मुश्किल। तो मैं चाहता हूं कि एक काम मैं करूं और एक काम आप करो। स्टार्ट आप कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा। भाई इतने से स्टार्ट नहीं होगा, जोरदार तालियां। सुरेंद्र, नीचे उतार कर रख दे इसको। कविता सुनने का हक उसे ही मिल, मैं बिल्कुल नहीं। कैमरा ही उतार दो नीचे। हाँ, बेकार में मैं लोगों के घर नहीं पहुंचना चाहता और मुझे लुगाई के ऊपर बोलना है इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। आप प्लीज सब कैमरे बंद करने पड़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा, इसको हटा दो बस, क्योंकि मेरे नियम है उसको मैं पालन करता हूँ। हाँ बिल्कुल, उतार कर के रख दे इसको। हाँ, बाद में लगा लेना। अभी प्रवीण शुक्ला, अब इसी सीन को उल्टा कर लो। महिला को नींद आ जाए,
उसका सर आपके कंधे पर टिक जाए। आपको अंबाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है पुरुष बड़ा होता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, मुझे भी किसी ने कहा तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। मैंने कहा यार जब देश की जनता को प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत। वाह वाह, बात हो। कहीं ना कहीं इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूं आप पे पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और आखिर में यही कह सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा नीचे। तो मैं शैलेश भाई तक की यात्रा हमको करनी है, और सुरेंद्र जी ने बड़े सारी बातें उठाई, राधा कृष्ण की बात की। मुझे तो घटना याद आ गई, मैं शैलेश लोढ़ा जी और प्रवीण शुक्ल अमेरिका गए, एक कवि मतलब है हिंदुस्तानी ने अनुवाद किया, बोले राधिके तूने बंसरी चुराई, इसका मतलब है राधिके हैज स्टोलन द फ्लूट ऑफ कृष्णा। अमेरिकन ने कहा देन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड मेक ए रिपोर्ट। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सच में लोग कहते हैं कि लाल किला का कवि सम्मेलन भारत का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है, पर मैं कहना चाहता हूं ये बिहारी कॉलोनी का जैन समाज का कवि सम्मेलन, आज का ये आयोजन लाल किला। आइए शैलेश भाई को सुने, दो तीन कवि मित्र बीच में हैं। मैं अनामी के अंबर यहाँ पर बैठी हैं, आज सौरभ सुमन जी जो अपने जैन समाज के प्रख्यात कवि हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वो सुबह हॉस्पिटल में एडमिट। प्रभु से विनती करें कि सौरभ सुमन बहुत जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आ जाए। उनकी अर्धांगिनी, पहली रोटी जो बनती थी वो रोटी बनती थी गाय माँ के लिए, याद है आप लोगों को, याद है। दूसरी रोटी किसके, दूसरी रोटी भी पति को खिला देती है। अब ये पति बेचारा गाय की तरह तो सीधा हो गया, और कुत्ते की तरह वफादार हो गया। ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो भुगत भोगी हैं। एक बार तालियां मिलकर बजाओ, मैं चाहता हूं कि आगे क्रम बढ़े। और आइए थोड़ा सा श्रृंगार की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर अनामिका है। आपको प्रणाम करती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आदरणीय राजेश चेतन जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ये जो थोड़ी सी अव्यवस्था है, मेरा मन है आप सभी थोड़ा जल्दी से निकल जाएं। हाँ, जिनका देखिए जिनका मन घर जाने का है उनको कोई रोक नहीं सकता, जिनका मन हो बैठे, जिनको जाने का मन हो निकल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विज्ञान भी आने वाले को रोक सकता है, जाने वाले को विज्ञान भी नहीं रोक सकता। आदरणीय बीच बीच में बोलते रहेंगे, इसीलिए हम सभी मिलकर इन्हें साइड में बिठा देते हैं, तो इनकी बात ऐसे ही चलती रहेगी। चार चार पंक्तियों से आप सभी से स्वागत का प्रयास करता हूं। ये देखिए, चार चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, जिस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। चार पंक्तियां सर्वप्रथम उस उपलक्ष्य में रखती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है, कोई भी पंक्ति यदि आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे तक जरूर पहुंचे। पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सबसे पहले माझी नवाणी के मंगलमय गुण गान कीजिए हो, सबसे पहले माझी नवाणी के मंगलमय गुण गान कीजिए हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजिए हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजिए हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महा
जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। जय बोले महावीर भगवान की जय। ये संत कुछ लोग कहते हैं आज धरा पर महावीर भगवान होने चाहिए थे। मैं कहती हूँ यदि महावीर भगवान होते तो वो क्या करते? वो वही करते जो ये संत करते हैं, जो आचार्य श्री विद्या सागर जी करते हैं, जो गुरु पुलक सागर जी करते हैं। मैं चार पंक्तियां ऐसे संतों के चरणों में रखती हूँ और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा पंक्तियां। स्वागत। संयम का एक दीप जगा कर आत्म को उजियार लिया है। संयम का एक दीप जगा कर आत्म को उजियार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा ये सब ने स्वीकार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा ये सब ने स्वीकार लिया है। दुनिया का है बाना तजकर मेष दिगंबर धार लिया है। दुनिया का है बाना तजकर मेष दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। और जिन गुरुदेव की उपस्थिति में हम सभी यहाँ पर अपने आप को गौरवायमान समझ रहे हैं, मैं चार पंक्तियां उनके चरणों में और रखती हूँ। उसके बाद आपके बीच में श्रृंगार के लिए उपस्थित हूँ। श्रृंगार की बात मैं आपसे करूंगी। सुनेगा थोड़ी देर के लिए गुरुदेव की छवि। कहाँ हुआ था जन्म हमारा हाई कोर्ट बतलाएगा। अरे वो मुकदमा हाई कोर्ट से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो मैंने पंक्तियां लिखी। राम नाम का जाप द्वार है मुक्ति का। काम अगर अपनाए दिवाली होती है और 60 साल लखनऊ में भटके रामलला आपका समर्थन चाहिए। 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, 60 साल लखनऊ में भटके रामलला, दिल्ली से बच जाए दिवाली होती है। दिल्ली से बच जाए दिवाली होती है। और नेताजी जो कान्हा जी के वंशज हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूं, आप समझ जाओ तो मेरी कोई गलती नहीं। नेताजी जो कान्हा जी के वंशज हैं, पुरखे नहीं लजाए दिवाली होती है। और 5 कोस के बाहर हिंदुस्तान में दोस्तों मस्जिद का कोई विरोध नहीं, एक बात समझ लेना, मस्जिद का कोई विरोध नहीं। हमारे यहां सच्चा सेकुलरिज्म है, सच्चा धर्म निरपेक्षता है। मैं सिद्ध करता हूं, अपने यहां कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये केवल नारा नहीं हकीकत है। जिस देश में उपराष्ट्रपति मुसलमान, प्रधानमंत्री जी सरदार, सत्ता का रिमोट कंट्रोल डैश 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 डैश, समझ गए, अपोजिशन लीडर विपक्ष की नेता हिंदू, हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में यह काम कोई नहीं कर सकता, यह हम ही कर सकते हैं। तो मैंने आखिरी की पंक्तियां सुनना, नेताजी जो कान्हा जी के वंशज है पुरखे नहीं लजाए दिवाली होती है। और आखिरी की पंक्ति अगर आप तक पहुंचा है तो हाथ उठाकर तालियां बजाना और मुझे विदाई देना। 5 कोस के बाहर, 5 कोस के बाहर, 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, 5 कोस के बाहर मस्जिद भव्य बने, हिंदू हाथ बटाए दिवाली होती है। हिंदू हाथ बटाए दिवाली होती है। दोस्तों मैं बहुत लंबी कविता इसलिए सुनाना नहीं चाहता क्योंकि आप मुझे बहुत देर से सुन रहे हैं संचालन में, और मैं तो आज आपातकालिक कवि था, सच्चा अतिथि तो मैं ही हूं क्योंकि बोर्ड में देना तो मेरा फोटो है और ना मेरा नाम है। मैं तो अतिथि का मतलब जिसको आने की तिथि ना हो, इन सब की तिथि थी, मेरी कोई तिथि नहीं थी। आपको लगा हो कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया तो एक बार सब तालियां बजा दो, मुझे अच्छा लगेगा कि अपने घर में मैं आपके बीच आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मोहब्बत दी है। अब समय आ गया है, आप हैं और सलेश जी हैं, ये कार्यक्रम उनकी तरफ जा रहा है। आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा, सुपरस्टार है हमारे बीच में सलेश भाई। मैं जानता हूं कि मैंने आज से कोई 20-22 साल पहले इनके ही गांव में जोधपुर में का चबूतरा है, वहां पर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता, 10,000-20,000 लोग सुनने के लिए आते हैं। मैंने पहली बार सलेश भाई को वहां से सुना था और वहां से यात्रा करते 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 वो आज किस मुकाम पर है कि लोग उनके ऑटोग्राफ मांगते हैं,
लोग उनके फोटो लेना चाहते हैं, लोग उनके वीडियो उतारना चाहते हैं, वो हमेशा हाँ लोग उनको छूकर देखना चाहते हैं। ये जलवा 15-20 साल में हुआ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतने लोकप्रिय हो गए हैं, वो आप रोज टीवी पर देखते हैं। मैं जानता हूं कि इतनी देर से आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अपने सुपरस्टार का हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई शैलेश लोढ़ा। देखिए ये पंखे बंद करा दें थोड़ी देर के लिए अब, आवाज जो क्योंकि ये कूलर सबसे ज्यादा आवाज करे कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं एक जैन परिवार का बेटा। वाह 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 वाह। बहुत खूब शैलेश भाई, ग्रेट। और यकीन मानिए आज मैं यहाँ कवि सम्मेलन करने नहीं आया, मैं पूजनीय पुलक सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया था। मैंने उनके दर्शन कर लिए, मेरा आना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए कि ये दर्शन मैंने कर लिए। बहुत समय से जब वो जयपुर थे, बांसवाड़ा थे, हर बार मैं नहीं जा पाया, लेकिन आज ये शाहदरा की पावन बिहारी कॉलोनी की धरती पे मुझे आना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। शाहदरा मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय है कि मेरा बहुत प्रिय मित्र जो देश का बहुत बहुत बड़ा हास्य कवि है प्रवीण शुक्ल यहाँ रहता है और वर्षों से यहाँ रहता है। मैं बहुत साल पहले जो बता रहे हैं इनके घर आया था, एक रात रुका भी था 20-25 साल पहले उस बात को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ फिर से लौट के आना। मैं अपना धर्म निभाते हुए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूँगा, भगवान महावीर पर बहुत सारी बातें हुई, मैं सिर्फ एक पंक्ति कहता हूँ कि जो शस्त्र उठाता है वो वीर हो जाता है और जो शस्त्र त्याग दे वो महावीर हो जाता है। इससे ऊपर की बात मेरे पास कहने के लिए नहीं। बहुत आइए मैं भी बात शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। कवि सम्मेलन शुरू हुआ जब काफी भरा पूरा था, कुछ कवि हमारे बीच में नहीं रहे, मतलब चले गए। ये तीन सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि इनका पेमेंट नहीं हुआ है, मोहब्बत की बात, आपकी मोहब्बत, ये तो मोहब्बत की बात है। राजेश जी बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं पेमेंट, ये बैठे हुए हैं। लेकिन राजेश भाई जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ सर, मैं परेशान हो गया। ऐसे ताली बजाओ और वैसे ताली बजाओ और हाथ उठा के ताली बजाओ, और मैं कहने तो कहा ताली नहीं बजाओगे तो यही पंक्ति कहती रहूंगी। तुम्हारे बाप का राज है, भाई माल ओरिजिनल होगा अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। कभी दुखी कर देते कई बार राजेश भाई, मुझे तो याद है हम तो सब यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आपने इकट्ठे किए। एक कवि सम्मेलन में कवि ने बोलना शुरू किया, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, तो एक गधे ने कहीं बोलना शुरू कर दिया, तो उसने आयोजक को कहा इस गधे को चुप कराइए, बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस किस को चुप कराऊं, और कहीं तो इतनी लंबी कविताएं सुनाते हैं। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोई 80 साल के थे, एक कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे, इतनी लंबी कोई कविता होती, कम शब्दों में बात करनी चाहिए। तो मैं तो बहुत कम शब्दों में बात करता हूँ, कम समय भी लूंगा, कम शब्दों में बात करूंगा। अब कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। अनामिका जय और राजेश जी आपके बीच में जो काफी क्या कुछ कह रही हैं आपने मोहब्बत के बहुत सारी बातें, मैं अभी तक उनसे बाहर ही नहीं आया हूँ। क्या था वो खट्टी मीठी क्या था तकरार? हाँ प्यार जरूरी है और ये जरूरी है और वो जरूरी है। मुझसे किसी ने कहा शैलेश जी आप जवान हो दिखते भी अच्छे हो, प्यार पे गीत क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मारवाड़ी आदमी हूँ, प्यार पे गीत लिखूं इतने में तो 8 बार प्यार कर लूं। भाई इतना टाइम क्यों खराब करना, प्यार पे गीत थोड़ी ऐसे होता है, प्यार गीत लिखने की चीज नहीं वो करने की चीज, उसमें गीत क्या लिखना। और अनामिका बहुत सम्मान कहना चाहता हूँ, सारी महिलाओं ने तुम्हारे गीत पे बहुत तालियां बजाई, तुमने भी कहा कि ऐसा जरूरी है वो जरूरी है साजन जरूरी है, और जो मेरा जो राधा क्या मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो, चाहे तुम्हारा श्याम हो या किसी और श्याम हो, मर्द जाति का भरोसा मत करना, हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं, हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं हम लोग।
टाइम क्यों खराब कर रहे हैं आप?